लिखिएगा। वेरी फर्स्ट वन इज टू लेंसेज हैविंग फोकल लेंथ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एंड माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। एंड द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। दो लेंसेज हैं, उनकी दोनों की फोकल लेंथ आपके पास है दी हुई और आपको कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ भी निकालनी है और आपको कॉम्बिनेशन की बेटे पावर भी निकालनी है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन सी टाइप के लेंसेज हैं। आल्सो ट्राई टू टेल द नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन सो ऑब्टेन बेटा। तो बेटे दिस इज क्लास 10। ट्वेल्थ क्लास नहीं है बेटा ये, पवन इट इज 10th क्लास, यू मे लीव। लास्ट स्टूडेंट बेटा प्लीज स्टैंड अप, हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यस, जो लिखा है एक ही लिखा है और तो कोई लिखा ही नहीं है, और कोई आपको दिख रहा है बोर्ड पे, तो फिर आप कौन सा क्यों कह रहे हैं? How we can go far with the resultant focal length of the combination and how we can go far with the power of the combination? एक मिनट बेटा। Yes, कॉपी पेन निकालिए और करिए। Yes बेटा, very nice, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। लेकिन जब आपको बेटे दोनों चीजें पूछी गई हो, पावर भी और फोकल लेंथ भी, तो आप इंडिविजुअल पावर पहले निकाल सकते हो। जैसे आपका पहला लेंस है, इसकी फोकल लेंथ आपको 25 सेंटीमीटर दी गई है, इसको मैं एफ वन कह देता हूँ, और दूसरे की फोकल लेंथ आपको माइनस 15 सेंटीमीटर दी गई है और इसको मैं F2 बोल देता हूँ। पावर इस लेंस की जो होगी P1, इट विल बी 100 अपॉन F1 डायोप्टर आ जाएगी। कितने डायोप्टर बनी? ये कह रहा हूं मैं, माइनस क्यों भाई, प्लस 4 आएगा और 100 अपॉन 15 कितना बना? माइनस 6.6 जब भी आप लेंसेज को कांटेक्ट में रख देते हो, पावर्स आर ऑलवेज एडेड अप अलोंग विद द साइन। कॉम्बिनेशन की पावर आ जाएगी P1 प्लस P2, इट विल बी 4 डायोप्टर माइनस 6.6 डायोप्टर, इट विल बी कितना? ये आ गया 16.6।
16 कैसे आ गया? कैसे? हंड्रेड को 15 से डिवाइड करिएगा, आई थिंक 6.6 ही आएगा बेटे, पर चेक कर लो, कई बार कैलकुलेशन में हो जाती है गड़बड़, चेक कर लीजिए एक बार। 6.67 आ जाएगा बड़ी ज्यादा। तो ओकल लेंथ कॉम्बिनेशन की, फोकल लेंथ आपके पास 100 अपॉन माइनस पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, पावर नेगेटिव है आपका ऑलरेडी, 2.26 आ रहा था, सो ये देखिएगा कितना आ रहा है, 0 कैसे आ गया भाई? ये 40 के करीब आना चाहिए, चेक करिए कितना आ रहा है, नेगेटिव ही आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, चेक करिएगा। हाँ 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 बिल्कुल निकाल सकते हैं, गलत आ रही है, रीचेक करो इसको, क्या बात है इसके साथ। अरे बच्चों कितना आ रहा है? -37.5। लास्ट चाइल्ड स्टैंड अप, व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट? नो नो, अपना कॉपी पेन लेके आगे आ जाइए जल्दी बेटा, नेगेटिव साइन का मीनिंग है, आप आगे आ जाइए, आपका जो कॉम्बिनेशन है द कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक ए कंकेव लेंस, राइट बेटा? मिरर नहीं लेंस, यस। तो इसके साथ बिल्कुल मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करेंगे, आइए बेटा डिस्कस करें। आपको अगर एक का पावर और दूसरे का फोकल लेंथ दिया गया है तो कैसे आपने डील करना है, लेट अस सी टू दैट बेटा। वी हैव ए कन्वेक्स लेंस, हैविंग पावर प्लस 10 डायोप्टर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट with another lens such that the combination has a focal length of फोकल ठीक है एज ए फोकल लेंथ -20 डायोप्टर कैलकुलेट
फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ द सेकेंड लेंस विच इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट लेंस. कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ द लेंस विच इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद दिस कन्वेक्स लेंस. बेटा उसका नेचर भी आपको बताना है. फिर से ध्यान दीजिएगा, आपको एक कन्वेक्स लेंस दिया गया है, इसकी पावर आपके पास है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आपके पास है, ठीक है जी. आप इसके साथ कांटेक्ट में जो और लेंस प्लेस कर रहे हो उसकी फोकल लेंथ भी चाहिए, उसका पावर भी चाहिए बेटा. सो ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल ऑफ यू बेटा. पहले ऐसे नहीं निकाल के निकालिए फटाफट. गुड. प्रैक्टिकल फाइल सारे ले आए हैं आज? किन टीचर्स के पास हैं आपकी फाइल्स? ओके, फिर मैं पीरियड के बाद. प्लीज प्लीज जो जिनके पास आज नहीं कल मॉर्निंग टाइम करवा लेना, कल से लेट नहीं होना. जिनके पास आज हैं वो मुझे दे के जाना. आप मैम को ही दे दो, मैं उनसे लेके कर लूंगा, कोई बात नहीं. आप लिसन बेटा, जो फाइल आपकी है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की भी वही होगी डेफिनेटली. अगर किसी की अलग है वो सेपरेटली करवा लीजिए, कोई बात नहीं. और आप अगर केमिस्ट्री की चेकिंग के लिए मैम को अपनी फाइल्स दे रहे हो, मैं उनके पास बैठ के चेक कर लूंगा, यू डोंट वरी. तो फिर मुझे दे जाना, फिर बात खत्म. वो मुझे ही देना, अपने आप मैडम से ले लेंगे. यस. हाँ जी, हो गया. पहला लेंस बेटा आपको दिया गया है कन्वेक्स लेंस, इसकी पावर P1 कह दें, इट इज प्लस 10 डायोप्टर. सेकंड लेंस की पावर आपको नहीं पता, आपको सेकंड लेंस की फोकल लेंथ नहीं पता, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ, कॉम्बिनेशन की पावर 100 अपॉन -20, -5 डायोप्टर हो गई. कॉम्बिनेशन की पावर इंडिविजुअल लेंसेज की पावर के सम के बराबर होती है. P2 आपका P-P1 के बराबर होगा. P2 आपका पावर आपके कॉम्बिनेशन की -5, ये आ गया. P2 आपका -15 डायोप्टर हो गया. F2 कितना होगा फिर? डायोप्टर है बेटा, D है. फोकल लेंथ ऑफ द सेकेंड लेंस बच्चों कितना होगा? बढ़िया. F2 कितना होगा? माइनस का. और देखिए नेचर क्या हुआ इस लेंस का. वेरी राइट, वेरी राइट. फिर 100 नहीं यूज करिए, सीधा ही रहने दो बिना 100 के. अगर आप मीटर्स में करना चाहते हो आप 100 यूज नहीं करेंगे, और इसको भी आप फिर मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. 0.20 मीटर आ जाए, इट इज पॉसिबल, राइट. चले आगे. एक क्लास लिखी इसी टाइप का और. टू लेंसेज one convex and
कंकेव ईच हैविंग फोकल लेंथ ईच हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट. कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन. सिंपली फॉर यू करके देख लीजिए बेटा. हार्डली इट विल टेक 2 मिनट्स बेटा. टाइप काफी इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस ईयर आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं. क्या चीज दिखाइए. 0.2 meters. फोकल लेंथ्स आर नॉट डायरेक्टली एडेड. दिस इज द रॉन्ग वे. नो मे बी आपका आंसर ठीक होगा बट आपका प्रोसीजर अडॉप्टेड रॉन्ग है. वेरी नाइस. नहीं 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 एक मिनट. ये जीरो कौन कह रहा है फोकल लेंथ. स्टैंड अप. माइनस और प्लस ऐड करके डायरेक्टली जीरो नहीं कहना. ये बात गलत है आपकी. यही मैं समझाना चाहता था आपको. बैठिएगा बेटा. सारे बच्चे एक मिनट के लिए देख लीजिएगा. आपका कन्वेक्स लेंस जो है इसकी फोकल लेंथ आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर है ना. और कंकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है बच्चों. इनको सीधा ऐड नहीं कर सकते. ठीक है. इसकी पावर निकालिए पहले. इसकी पावर निकालिए. अब नेट पावर निकालिए रिजल्टेंट. पावर जीरो है ना कि फोकल लेंथ. ठीक है. अब कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालिएगा. इट विल बी इनफाइनाइट सेंटीमीटर्स में. अगर आप फोकल लेंथ ले रहे हो तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट एज 100. राइट. ये वाला पुत्र देखो. इसका -5 डेओप्टर था. इसका +5 डेओप्टर. दोनों को ऐड किया आपका पावर जीरो आ गया. और आप अच्छे से जानते हैं पावर जो होती है 100/ फोकल लेंथ के बराबर होती है ना बेटा. यहां पे आपने देखो फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में यूज किया है ना. तो इसका मतलब हुआ कि फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की 100/ पावर इतने सेंटीमीटर्स हुई बेटे. सो डियर चिल्ड्रन 100/0 इट इज इनफाइनाइट. इनफाइनाइट का न्यूमेरिकल वैल्यू इंडिकेट कर देता है कि आपका लेंस ना तो रेज को कन्वर्ज कर पा रहा है ना ही डाइवर्ज कर पा रहा है. इट इज जस्ट बिहेविंग लाइक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट. 1/ बिल्कुल होगी अगर आप फोकल लेंथ को मीटर्स में यूज करोगे तो. क्योंकि आपने फोकल लेंथ यहां पे सेंटीमीटर्स में यूज किया है दैट्स व्हाई 100 इज एडिड ओवर हियर. सम सॉर्ट ऑफ अनरेस्ट इज देयर. यस दिस चाइल्ड. आप
बच्चा फोर्थ फ्रॉम द लास्ट आगे ये वाला वो नहीं है, बोलेगा ही नहीं है वो। सो आप कहो तो एक और ऐसा न्यूमेरिकल दे दूं, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूं। कौन सा? बेसिकली वो आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे अगर ऐसा आ जाए, वन अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, इट इज वन अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट वन अगर सेंटीमीटर में है, प्लस वन अपॉन फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड वन माइनस डिस्टेंस बिटवीन द टू डिवाइडेड बाई एफ वन इंटू एफ टू। याद रखिएगा, आपको पूछेगा नहीं कोई। वैसे वन अपॉन कैपिटल एफ फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, इट इज वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू माइनस एक्स अपॉन एफ वन इंटू एफ टू, एक्स बीइंग द सेपरेशन बिटवीन द टू। कितनी दूर दूर पड़े हैं वो, राइट उत्तर? चलिए बेटे, इसके बाद एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट टाइप है, उसको भी डिस्कस करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन टू यू टू बी 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इट इज गिवन टू यू टू बी 4/3। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। हरी अपोलो की। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास एंड नॉट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, राइट? चेक करके बताएंगे। ऐसा ही कुछ आना चाहिए वैसे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लगे रहिए, करते रहिए, मेहनत करिए। कोई बात नहीं बेटे, फिर क्या हुआ? चलिए मैं भी कर देता हूं, ठीक है? आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास चाहिए बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, दोनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आपके पास हैं। ये क्या करी जा रहा है सेकंड लास्ट चाइल्ड, तुम बेड़िया बनाई जा रहे हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ये आ गया। वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ऐसे ही है ना? इट इज ऐसे ही है ना? 6/9। यस। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है? आप बताइए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट? नॉट गुड एट ऑल। कितने दिनों की बोली जा रहे हैं? बैठिए। प्रभगुन, प्रभगुन, बात है, क्या बात है, वेरी 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 व्हाट आई शुड से। प्रभगुन डिटेल में बोलिएगा, इसको नीचे करके बोलिएगा। यस, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको एक मीडियम का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एन अदर दिया गया है, आप उल्टा कर लोगे तो सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट आ जाएगा। आपको याद होगा हमने किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज वन बाई, अगर आपको कोई कह दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास के बाद ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर का लिए उल्टा कर दीजिए। यस थैंक यू ऑल।